आसानी से चलने वाली गाड़ी। विशाल को गाड़ियां बहुत पसंद थी। उसके दोस्तों की तरह उसे भी गाड़ी चलाना बहुत पसंद था। वो बहुत तेज गाड़ी चलाना पसंद करता था। उसके पिता पुलिस में काम करते थे। विशाल बहुत भोला था, इसीलिए वो उसे ज्यादा जेब खर्ची नहीं देते थे। उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी और लाड़ भी करती थी, इसीलिए पिता से छुपाकर जरूरत पड़ने पर उसे पैसे दे देती थी। वो उन पैसों को जमा करके एक गाड़ी खरीदना चाहता था। वो पुरानी गाड़ी ही सही, लेकिन एक गाड़ी लेना चाहता था। जब उसके पास अच्छे पैसे जमा हो गए तो वो एक बड़ी गाड़ी की दुकान को गया और वहाँ उसे सेल में अच्छी महंगी और खूबसूरत गाड़ियाँ दिखाई दी। एक से एक बढ़कर खूबसूरत गाड़ियाँ और जबरदस्त गाड़ियाँ वहाँ रखी हुई थी। उस दुकान में काम करने वाले हर गाड़ी की तारीफ ही कर रहे थे। तब एक काम वाले ने कहा, ये गाड़ी सबसे ज्यादा माइलेज देती है। दूसरे काम वाले ने कहा, ये गाड़ी की स्पीड सबसे ज्यादा है। तीसरे काम वाले ने कहा, ये गाड़ी पूरे देश में सबसे अच्छी गाड़ी है। विशाल की मासूमियत को देखकर चौथे काम वाले ने कहा, ये गाड़ी तो सबसे अलग है, ये पानी से चलती है। विशाल को उसकी ये बात बहुत आकर्षित लगी और वो उससे पूछने लगा, क्या ये पानी से चलती है? अरे वाह। वो विशाल को उस गाड़ी के बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलने लगा। वो उस गाड़ी से बहुत खुश हुआ और उसने उसे खरीद लिया। दूसरे दिन जब उसके पिता ने गाड़ी देखी तो वो पूछने लगे कि वो गाड़ी किसकी है। तब उसने जवाब दिया, ये गाड़ी मेरी ही है, कल ही खरीदी थी। इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये पानी से चलती है। उसकी बातें सुनते ही उसके पिता को पता चल गया कि वो बेवकूफ बन चुका है। उसके पिता उसे वापस उसी दुकान ले गए और वहाँ जाकर उस दुकान के काम वालों से कहा, ये गाड़ी पानी से चलती है, ये मेरे बेटे से किसने कहा था? आओ और मुझे भी बताओ, अगर ये गाड़ी पानी से नहीं चलेगी तो मैं उस इंसान को ही पानी में डाल दूंगा। पुलिस की धमकी सुनकर वो सब डर गए और एक एक करके गाड़ी में पानी डालने लगे। जब किसी से भी गाड़ी चालू नहीं हुई तब सब काम वालों को एक और पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया। वहां पर एक राहुल नाम का लड़का भी काम करता था। वो आगे नहीं आया। तब विशाल के पिता ने उसे धमकी दी, आओ बताओ मुझे, तुम भी इसे पानी से चला पाओगे क्या, या तुम्हें भी पुलिस स्टेशन ले चलूं? तभी होशियार राहुल ने अपनी होशियारी से जवाब दिया, हाँ साहब, ये गाड़ी पानी से ही चलती है, पर कोई भी साधारण पानी से नहीं, सिर्फ अदरक के पानी से। शायद साधारण पानी इसमें डालने की वजह से इसका इंजन खराब हो गया है। आप मुझे 3 महीने का समय दीजिए, मैं इसे ठीक करके आपके सामने चला कर दिखाऊंगा। इसका ये जवाब सुनकर विशाल के पिता हैरान रह गए और कहने लगे के 3 या 4 महीने ले लो, पर अगर तुमने 4 महीने बाद इसे नहीं चलाया तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर वो बाकी के काम वालों को अपने साथ ले गए। उनके जाने के बाद उस दुकान के बाकी काम वालों ने राहुल को डांटा और कहने लगे, क्या तुम पागल हो गए हो? अदरक के पानी से क्या कोई गाड़ी चल सकती है? जो ये चलेगी। तब राहुल ने जवाब दिया, मुझे भी पता है ये गाड़ी अदरक का क्या, किसी भी पानी से नहीं चलेगी, लेकिन अगर मैं ये बात उसे तभी कह देता तो वो मुझे भी बाकी लोगों के साथ पानी में डाल देता, इसलिए मैंने ये झूठा बयान दिया। इन 4 महीनों में कुछ भी हो सकता है, उस पुलिस वाले का ट्रांसफर भी हो सकता है, या मैं ही कहीं और जा सकता हूँ। उसकी इस होशियारी को देखकर सब उसकी प्रशंसा करने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय रहते ही होशियारी दिखा देनी चाहिए। जादुई रंगीन पत्थर। महेंद्रपुर में गोपैया नामक लकड़ी काटने वाला रहता था। वह हर दिन उस गांव के नजदीक में रहने वाले जंगल में जाकर लकड़ियां काटकर वापस शाम को उन्हें इकट्ठा बांधकर घर जाता था। गोपैया की पत्नी वो लकड़ियों को गांव के लोगों को बेचकर थोड़े पैसे कमाती थी।
वो पैसों से उनका परिवार बिना तकलीफ से जीते थे। उस दिन ज्यादा बारिश होने पर भी लकड़ियाँ काटने के लिए निकल पड़ा गोपैया। वैसे बीग के लकड़ियाँ काटने वाले गोपैया को उधर पौधों के बीच सुंदर सा रंगीन पत्थर चमकता हुआ दिखाई दिया। जाके वो पत्थर को हाथ में पकड़ लिया। बारिश से उसका शरीर पूरा कांपने लगा। उस पत्थर को अनहोके से देखते हुए, ये क्या है कि पता नहीं चल रहा, पहले ही बारिश होती तो अच्छा होगा, ऐसे धीरे से बोल लिया था। तुरंत बारिश रुक गया। सोचे जैसे हुए तो गोपैया को अजीब लगा। इस बार उस पत्थर को जमीन के ऊपर लगा के बारिश वापस गिरना, ऐसे बोला। लेकिन इस बार बारिश नहीं गिरा था। चमकता हुआ रंगीन पत्थर को हाथ में लेकर, फिर से एक बार बारिश गिरे तो देखने का मन हो रहा है, सोचा था। इससे तुरंत बिजली गरजते हुए बारिश गिरना शुरू हो गया था। तब जाके गोपैया को समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं मिला, बल्कि कोई जादुई रंगीन पत्थर है। गोपैया खुशी से कूदने लगा। इस जादुई पत्थर से जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं, ऐसे मन ही मन प्रसन्न हो गया। बारिश रुकना बोल के सोचने लगा। उसके बाद उससे अलग अलग भोजन की चीज चाहिए बोल के बोलने लगा। पहले से ही भूख से है, जैसे उन सभी को भर पेट खा लिया था। उस पत्थर को पत्नी को बता के उसकी खुशी को बांटने के लिए घर के रास्ते चलने लगा। उस जादुई रंगीन पत्थर के बारे में पूरी बात पता करने के बाद उसकी पत्नी पत्थर को लेकर, खूबसूरत घर, ज्यादा सोना चाहिए, ऐसे तमन्ना करने लगी। तुरंत खूबसूरत घर बहुत सोना आ गया था। ऐसे जो भी मांगते थे होने से वह दोनों अति प्रसन्न हो गए थे। ऐसे दिन आराम से निकल रहे थे। एक बार शहर में कुछ काम के लिए जंगल के रास्ते चलने वाले गोपैया को शेर का दहाड़ सुनाई दिया। उसके तरफ आने वाले शेर को देखकर वह बहुत कांपने लगा। उस डर में क्या बोलना पता नहीं चल के, अभी के अभी मैं पत्थर में हो गए तो शेर के शिकार से बच सकता, सोच लिया। ऐसे सोचा कि नहीं, बड़ा पत्थर बन गया। वह जादुई रंगीन पत्थर उसके बाजू में गिरकर चमकने लगी। पूरा बड़ा पत्थर के जैसे बदलने वाले गोपैया उसे नहीं पकड़ सका। शाम हो गया, फिर भी पति का पता ना होने से गोपैया की पत्नी उसी रास्ते में ढूंढते हुए चलने लगी। पति किधर भी नहीं दिखा। ऐसे ढूंढते ढूंढते थकते हुए वो जाके बड़ा पत्थर के स्थान पर जाके बैठ गई। इतने में ही वह चमकता हुआ रंगीन पत्थर दिखाई दिया। उसे तुरंत हाथ में लेकर, मेरा पति अब कहाँ है कि कितना दुखी हो रहे होंगे, मेरे आंखों के सामने दिखे तो मैं बहुत खुश हो जाती, ऐसे आंखों में आंसू लगा ली। इससे पलों में गोपैया पहले जैसे बदल गया। पति को देखने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अगर उसकी पत्नी वहाँ पर ना आए तो परिणाम सोचकर गोपैया डर गया। पति पत्नी एक निर्णय ले लिए, वहाँ पहले जैसे सुखी से रहना है तो कौन सा भी जादुई चमत्कार की जरूरत नहीं है सोचकर उस जादुई रंगीन पत्थर को उधर ही दूर फेंक के वह दोनों खुशी से चले गए। सब्जियाँ बेचने वाला एप्पल कार। राजू को एप्पल कार बनाना तो हमने पहले ही देखा था ना। एक दिन भी स्कूल से बिना छुट्टी लिए राजू उसी कार में अपनी दोस्तों की मदद करता हुआ जा रहा था। कभी कभी तो देर होने पर अपने पिताजी को भी ले जाकर ऑफिस तक पहुंचाता। ऐसे दिन बीतते गए। एक बार उस शहर में एक बड़ी सी महामारी आई। इससे सारे स्कूल्स, दुकानें, परिश्रम सारे बंद हो गए। राजू के पिताजी को भी घर पे ही रहना पड़ा था। देखते ही देखते महीने गुजर गए। हमारे पास के पैसे भी खत्म हो जाएंगे, अब आगे क्या करेंगे, कैसे कमाऊं, क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पिताजी को माँ के पास ऐसे बोलते हुए उदास देख राजू ऐसे समय में किसी भी तरह अपने पिताजी की मदद करना चाहता था। तभी टीवी में एक समाचार देखा। तभी कोई भी रास्तों के रोड पे आकर तभी घूमना नहीं, अपने गलियों में ही आने वाले सब्जियां खरीद लेना। इस समाचार को देखते ही राजू को बिजली की रफ्तार से तेज एक विचार आई।
तुरंत अपने एप्पल कार में कुछ परिवर्तन करके आपके लिए उसे सब्जियां बेचने के लिए सक्षम बना दिया। माता पिता को कार दिखाने पर वे दोनों बहुत आश्चर्य हुए। पिताजी, इस पर सब्जी फल घर घर ले जाकर बेच सकते हैं, राजू ने कहा। हाँ बेटा, ऐसे करने पर लोगों के कष्ट दूर होंगे, वो महामारी भी एक दूसरे से नहीं फैलेगी, ऐसे हमारे जरूरत भी पूरे होंगे, राजू के माँ ने कहा। तब से ही हर रोज राजू के पिताजी एप्पल कार में ही सब्जी फल ले जाकर बेचना शुरू कर दिया। एप्पल कार भी देखने के लिए सुंदर होने पर सब वही आकर खरीदते। भीड़ ना जमा करते हुए दूरी बनाए रखते हुए एक के बाद एक आकर अपने जरूरतमंद चीजें खरीदने पर पुलिस भी कोई रोक नहीं लगाते। राजू अपनी बुद्धि से बनाई हुई सब्जियां बेचने वाला एप्पल कार के कारण उनके कष्ट दूर हो गए। थैंक्स दोस्त, तुमने मेरे और मेरे परिवार की बहुत मदद की, बोलकर राजू ने कार को अपना धन्यवाद किया।